हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक सर जेम्स चैडविक के बारे में। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले इस महान वैज्ञानिक का जन्म 20 अक्टूबर 1891 को मैनचेस्टर में हुआ था। इनकी शिक्षा मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया था कि परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले कण इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज वाले कण प्रोटॉन मौजूद रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों का कुल द्रव्यमान परमाणु के कुल द्रव्यमान से कम आता था। इससे उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि परमाणु के अंदर कुछ उदासीन कण भी मौजूद होने चाहिए। इस बात की खोज सबसे पहले सर जेम्स चैडविक ने ही की थी। इन कणों का द्रव्यमान प्रोटोनों के साथ जोड़ने पर पूरा द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। इसी न्यूट्रॉन की खोज के लिए सर जेम्स चैडविक को सन 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आज परमाणु की संरचना से संबंधित लगभग सभी गुत्थियाँ सुलझाई जा चुकी हैं। आज हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक में धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेश वाले कण इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन से कुछ कम होता है। न्यूट्रॉन कणों की खोज विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। परमाणु बम का निर्माण न्यूट्रॉनों के द्वारा ही संभव हो पाया। चूंकि ये कण उदासीन होते हैं, इसलिए इनके द्वारा नाभिक का विखंडन संभव हो पाया। इससे ही परमाणु ऊर्जा पैदा करने की विधियां विकसित की गईं। सर जेम्स चैडविक ने ही सबसे पहले आइसोटोप्स के अस्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने यह बताया कि जब किसी समान प्रोटॉनों की संख्या वाले नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, तो ऐसे नाभिकों को उस तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहा जाता है। आज विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का इस्तेमाल अलग अलग बीमारियों के उपचार में किया जाता है। जैसे कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। सर जेम्स चैडविक ने 1923 के बाद रदरफोर्ड प्रयोगशाला में तत्वों के रूपांतरण पर काम किया। सन 1927 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का फैलो नियुक्त किया गया और 1932 में इन्हें ह्यूज मेडल भी प्रदान किया गया और 24 जुलाई 1974 को इस महान वैज्ञानिक का देहांत कैम्ब्रिज में हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।